हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 21x32, यानी कि जो इसका फ्रंट है वो हमारा 21 फीट 6 इंच है और जिसकी डेप्थ है वो हमारी 32 फीट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनकी रिक्वायरमेंट। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 BHK सेट, यानी कि एक बेडरूम बनना है, एक ड्राइंग रूम बनना है और भी बहुत कुछ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ से मेन एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे आप यहां से एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलता है पोर्च, और हमने यहां पे पोर्च का साइज़ दिया हुआ है 8 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 7 इंच का हमने पोर्च बनाया हुआ है। इससे आप आगे जाते हैं पोर्च से तो आपको देखने को मिलता है 3 फीट का स्टेयरकेस, जहां से जाएंगे आप अब ऊपर, यहां से आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। पोर्च के लेफ्ट साइड में हमने दिया हुआ है ड्राइंग रूम, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। ये रही इसकी एंट्री ड्राइंग रूम की, और हमने ड्राइंग रूम का साइज़ दिया है 11 फीट 10.5 इंच बाय 10 फीट 4.5 इंच का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। और इस ड्राइंग रूम में हमने दो डोर दिए हुए हैं, पहला डोर हमारे बाहर से है और दूसरा डोर हमारा लोबी से होकर आता है ये वाला। हमने इस ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए फर्स्ट डोर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में लगा दिए विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब आगे चलते हैं हम यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ से आगे जाते हैं आपको देखने को मिलती है लोबी, जिसका साइज़ हमने दिया है 7 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 4.5 इंच की हमने लोबी बनाई हुई है। लोबी के हमने लेफ्ट साइड में दे दिए बाथ और WC। हमने यहाँ पर WC का डोर दिया हुआ है यहाँ से, और WC का साइज हमने दिया है 4 फीट बाय 3 फीट का, हमने यहाँ पर WC बनाया हुआ है। WC के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। अब आते हैं बाथ की तरफ। जैसे आप बाथ की तरफ आते हैं आपको ये दो डोर दिख रहा है, ये हमारा बाथ का डोर है। WC के बिल्कुल बराबर में हमने बाथ दिया हुआ है, और हमने इसका साइज़ दिया है 4 फीट बाय 6 फीट का, हमने ये बाथ बनाया हुआ है। अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप लोबी के राइट साइड में आते हैं आपको देखने को मिलता है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। ये रहा हमारे किचन का डोर, और हमने इस किचन का साइज़ दिया है 8 फीट 6 इंच बाय 5.5 फीट की, हमने ये किचन बनाई हुई है। बात करें इसमें वेंटिलेशन की, तो उसके लिए लगा दिया हमने विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इसी के साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एल साइज़ का हमने स्लेब डाला हुआ है। ये हमारा एल साइज़ का स्लेब है जो कि हमने किचन में डाला हुआ है। अब आगे की तरफ चलते हैं। आप इससे आगे जाते हैं तो WC के बराबर में आपको देखने को मिलता है एक और डोर, जो कि जाता है आपका ओपन को। हमने यहाँ पर ओपन का जो साइज़ दिया है वो हमने दिया है 7 फीट 1.5 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का, हमने यहाँ पर ओपन का साइज़ दिया हुआ है। अब चलते हैं आपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। एक ही बेडरूम में 1 BHK सेट था, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इससे कनेक्ट होना चाहिए हमारा स्टोर, जो कि हमने अटैच कर दिया है। चलिए, ये रहा हमारे पहले बेडरूम का डोर, यहाँ से कर लेते हैं इसमें एंट्री। हमने यहाँ पर पहले बेडरूम का जो साइज़ दिया है वो हमने दिया है 13 फीट 3 इंच बाय 10 फीट का, हमने यहाँ पर पहला बेडरूम बनाया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दिया, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और बेडरूम से हमने अटैच किया हुआ है स्टोर, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। ये रहा हमारे स्टोर का डोर, यहाँ से कर लेते हैं स्टोर में एंट्री। और आपको देखने को मिलता है फिर स्टोर का साइज़, जिसका साइज़ हमने दिया है 7 फीट 1.5 इंच बाय 5 फीट 1.5 इंच का, हमने यहाँ पर स्टोर दिया हुआ है। और स्टोर के वेंटिलेशन के लिए भी हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। तो 21x32 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच नहीं हो रही है, आप कुछ और चाहते हैं, आपका प्लॉट का साइज़ कुछ हो रहा है, तो आप हमको रिक्वायरमेंट बताइए। हम आपको 24 आवर्स में आपका नक्शा सेंड करके आपको बनाकर आपका नक्शा आपको सेंड कर देंगे। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर हमारा फ़ोन नंबर ले सकते हैं। जल्दी से हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।